नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बड़े पैमाने पर डीपीओ का हुआ तबादला। विधानसभा के दोनों सदन इस महीने से हो सकते हैं शुरू। नल जल योजना के तहत तय हुई मरम्मत की समय सीमा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। जिला कार्यालय में हो रहे खर्च पर अब लगेगा लगाम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट के 120 पदों पर निकाली रख दी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट के 120 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में 40% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं उम्मीदवार के पास कम से कम 6 महीने की अवधि का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बाद अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.oilindia.com पर नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में कोविड-19 के मिले 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 187 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1715 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, अरवल में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 4, बक्सर में 1, भोजपुर में 5, दरभंगा में 8, ईस्ट चंपारण में 8, गया में 3, गोपालगंज में 7, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, कटिहार में 4, खगड़िया में 5, किशनगंज में 2, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 6, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 2, नवादा में 3, पटना में 36, पूर्णिया में 5, रोहतास में 4, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 6, सारण में 10, शेखपुरा में 1, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 2, सुपौल में 4, वैशाली में 7, वेस्ट चंपारण में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,28,186 सैंपल की जाँच की गई। वहीं 224 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर डीपीओ का हुआ तबादला। बिहार में तबादलों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से बड़े पैमाने पर डीपीओ के तबादले की खबर सामने आई है, जिसके तहत 29 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद इन अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिन अफसरों का तबादला किया गया है उनका 3 साल का अवधि पूरा हो चुका है, जिसमें राखी कुमारी, माला कुमारी, पूनम कुमारी, ममता वर्मा, चांदनी सिंह, रचना, श्वेता सहाय, रश्मि चौधरी, रिफत अंसारी, शोभा सिन्हा, कविता कुमारी, एक रेखा कुमारी, रश्मि वर्मा, अर्चना कुमारी, रश्मि रंजन, अनुपमा कुमारी, ललिता कुमारी, अलका आम्रपाली, रीता सिन्हा, सुनीता, वंदना पांडे, निरुपा कुमारी समेत कई के नाम शामिल हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गंगानाथ झा की। गंगानाथ झा का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के गंधवारी गांव के एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सर गंगानाथ झा संस्कृत, भारतीय दर्शन और बौद्ध दर्शन के विद्वान थे। वो न्याय शास्त्र के पंडित भी थे। उन्हें पहली बार फारसी लिपि का उपयोग करना तब सिखाया गया जब उनका परिवार बनारस चला गया था। 1880 में वो दरभंगा में अपने रिश्तेदारों के पास लौट आए और उसे एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भर्ती कराया गया था। 1886 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बनारस लौट आए और वहां के सरकारी संस्कृत कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने 1892 में प्रथम रैंक के साथ संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। जिला कार्यालयों में हो रहे खर्चे पर अब लगेगा लगाम। बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में हो रहे बिनाबाद के खर्चों पर अब लगाम लगने वाला है। बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके तहत अब इन विभागों में होने वाले काम को लेकर सलाह दे सकते हैं। इसके साथ ही वित्त विभाग की तरफ से इन अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर सूची भी जारी कर दी गई है। सरकारी सूत्रों की माने तो अभी विभाग और जिला कार्यालयों में वित्त एवं लेखा संबंधी जो कार्य किए जाते हैं उनमें गुणवत्ता की कमी रहती है। इस कारण कई तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। हालांकि जिला कार्यालय में वित्तीय सलाहकार नियुक्ति करने के प्रस्ताव 2 साल पहले तैयार किए गए थे। बिहार के सभी जिलों का ऐसा रहेगा मौसम का हाल। आईएमडी पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में एक या दो स्थान पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद में और साथ ही साथ दक्षिण मध्य बिहार के बेगूसराय, गया, पटना, नालंदा, नवादा,
शेखपुरा, लखीसराय और दक्षिण पूर्व बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम बिहार के वेस्ट चंपारण, सिवान, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली के कई स्थानों में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर आने वाले हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी जरूरी। पटना एयरपोर्ट पर अब यात्रियों के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जिससे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आ रहे हवाई यात्रियों को अनिवार्य रूप से राहत मिली है। ज्ञात हो अप्रैल में कोरोना के मामलों में बढ़ी रफ्तार को देखते हुए डीएम ने पटना एयरपोर्ट के निदेशक को पत्र जारी करते हुए साफ किया था कि इन राज्यों में पटना आने वाले यात्रियों को तभी यात्रा की अनुमति दी जाए जब उनके पास 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट हो। हालांकि अब जारी किए गए नए पत्र में डीएम ने साफ किया है कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण खत्म हो चुका है, ऐसे में बाध्यताओं को खत्म किया जा रहा है। नल जल योजना के तहत तय हुई मरम्मत की समय सीमा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर लगातार काम जारी है। वहीं इसी बीच अब सरकार ने नल जल योजना में आने वाली गड़बड़ियों के निस्तारण के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके तहत साधारण लीकेज को 12 से 24 घंटे पर और असाधारण लीकेज को 3 से 5 दिनों में ठीक करना होगा। मोटर पंप में खराबी 24 घंटे में ठीक करनी होगी, वहीं एक अलग से मोटर भी रखना होगा। साधारण मरम्मत 24 घंटे में करनी होगी, स्टैंड पोस्ट की मरम्मत को 24 घंटे में करना होगा। जल मीनार की सफाई 15 दिनों पर करनी है। पानी की गुणवत्ता की जांच 3 दिनों पर होनी है। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि पानी की चोरी करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 4,500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। खबरों की माने तो संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना डाक और ईमेल के जरिए भेजी जा रही है। इंटरव्यू के दिन सभी संबंधित अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों और उन दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। साथ ही पहचान सत्यापित करने वाले दस्तावेज, मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर भी आना होगा। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भी लेकर आना होगा और इंटरव्यू राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के दफ्तर में होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। विधानसभा के दोनों सदन इस महीने से हो सकते हैं शुरू। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से विधानसभा के दोनों सदन को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब मामलों में गिरावट को देखते हुए विधानसभा के दोनों सदनों को खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि इस बार सदन को खोलने से पहले जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शर्त यह है कि तीसरी लहर अधिक खौफनाक ना हो और दोनों सदनों के सदस्य वैक्सीन ले लिए हो। तैयारी के पहले चरण में विधानसभा सचिवालय उन विधायकों की सूची बना रहा है जिन्होंने वैक्सीन की एक या दोनों डोज ले ली है। हालांकि इसको लेकर एक सप्ताह में सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे अभी तक यह जानकारी मिली है कि अधिकांश लोगों ने कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि आमतौर पर विधानमंडल का मॉनसून सत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। दोनों सदनों के सदस्य सजग हैं, सभी सदस्यों ने टीका ले लिया होगा। कुछ विशेष बाधा नहीं उत्पन्न हुई तो मॉनसून सत्र की बैठक समय पर शुरू हो जाएगी। बिहार के 22 रूटों से इन शहरों की यात्रा होगी आसान। बिहार के 22 रूटों से 88 बसों के परिचालन की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत राजधानी पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई प्रमुख शहरों से बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। इसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग ने इच्छुक एजेंसीज को और वाहन मालिकों को उद्यमियों से आवेदन की मांग की थी, जिसके तहत पथ परिवहन निगम ने पहले से चिन्हित रूटों पर बस परिचालन के लिए निविदा मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि निगम ने कहा है कि परिवहन सेवा के उद्देश्य से अगर कोई वाहन मालिक गाड़ी चलाना चाहता है तो आवेदन कर सकता है। हालांकि निगम ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि उन्हीं एजेंसियों की सेवा ली जाएगी जिनका नाम काली सूची में दर्ज नहीं होगा। पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम की ऐप से होगी मॉनिटरिंग। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में 30 अलग अलग राज्यों से आने वाले ईवीएम की मॉनिटरिंग करवाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ऐप की मदद लेने की बात कही है। साथ ही आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम मंगाने के लिए टीम का गठन करने का निर्देश जारी कर दिया है। यही नहीं, बकायदा ईवीएम प्रबंधन योजना के तहत काम करने का निर्देश भी दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार 7 जुलाई तक हर हाल में ईवीएम भंडारण और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने जिलों से ईवीएम मंगाने के लिए जाने वाली टीम में शामिल मजिस्ट्रेट से पुलिस दल की पूरी सूची की मांग की है। शाहनवाज हुसैन ने टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम होने की कही बात।
बीते दिन मुंबई में सिंथेटिक रेयॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बैठक में शामिल होने के बाद बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन राजधानी पटना पहुंचे, जहां पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इथेनॉल के बाद अब बिहार में टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम हो रहा है। मुंबई में उद्योगपतियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई। इस दौरान उद्योगपतियों ने बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाने की मंशा जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद इथेनॉल में उम्मीद से काफी ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। अब बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है। महावीर मंदिर के राम रसोई को मिली मान्यता। बीते दिन राजधानी पटना स्थित महावीर मंदिर के राम रसोई को मान्यता दे दी गई है, जिसके तहत अब राम रसोई को भारत सरकार की तरफ से ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मुहैया करवा दिया गया है, जिसको लेकर महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने भी खुशी जताई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राम रसोई नाम का यह निःशुल्क अन्न क्षेत्र महावीर मंदिर की तरफ से चलाया जा रहा है। अयोध्या स्थित अमावा राम मंदिर परिसर में राम रसोई का संचालन किया जा रहा है। यहां प्रतिदिन औसतन 1000 से 2000 लोगों को भोजन कराया जाता है। श्रद्धालु बिना किसी राशि का भुगतान किए शुद्ध भोजन करते हैं। चंपारण के शुभम से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर इस अभियान के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की, जिसके तहत उन्होंने पूर्वी चंपारण के शुभम और उसकी दादी के साथ भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने शुभम से पूछा कि आपको क्या फायदा हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा फायदा आने जाने का खर्च बचा, साथ ही कोरोना के माहौल में किसी संक्रमित के चपेट में आने से भी बच गए। इसके साथ ही शुभम ने बताया कि ई संजीवनी ऐप के जरिए वो इलाज के लिए किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले पाते हैं। इससे पहले दादी को लखनऊ ले जाना पड़ता था। गांव में इंटरनेट तकनीक में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने की इस्तीफे की पेशकश। नीतीश सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारे में गहमागहमी फिर से शुरू हो गई। वहीं इस्तीफे की पेशकश को लेकर मदन सहनी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विभाग में अधिकारियों का राज चलता है, यही कारण है कि अब उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसके साथ ही मदन सहनी ने अपने ही विभाग के अतुल प्रसाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने पूरे विभाग को चौपट कर दिया है। विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री की नहीं सुनी जा रही है। प्रधान सचिव 4 सालों से विभाग में जमे हैं। प्रधान सचिव बताएं कि उन्होंने क्या किया। जदयू विधायक शशिभूषण हजारी के गुजर जाने पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। जदयू के विधायक शशिभूषण हजारी ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद बीते दिन उन्होंने आखिरी सांस ली, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार जदयू के अन्य मंत्रियों ने भी शोक संवेदना प्रकट की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शशिभूषण का गुजर जाना बिहार की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके साथ ही आरसीपी सिंह ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शशिभूषण हजारी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। लोजपा में शुरू हुई इमोशनल लड़ाई। जहां एक तरफ लोजपा दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ दिवंगत रामविलास पासवान के समर्थकों को भी अब दो हिस्सों में बांटने की तैयारी हो रही है। हालांकि आने वाले समय में चुनाव आयोग के फैसले के बाद लोजपा किसकी पार्टी है ये तो साफ हो जाएगा, लेकिन रामविलास पासवान के समर्थक किसके साथ है ये सवाल चुनौतियों से भरा है। यही कारण है कि समय समय पर पार्टी के दोनों गुट रामविलास पासवान को याद करते रहते हैं। इसी कड़ी में कुछ समय पहले चिराग ने अपना पुत्र धर्म निभाते हुए पिता के लिए भारत रत्न की मांग की थी, वहीं अब भ्राता धर्म निभाते हुए पशुपति पारस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हाजीपुर या पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की एक प्रतिमा स्थापित करने की भी अपील की है। जेल में बंद पप्पू यादव हुए भावुक। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव बीते लंबे समय से जेल में बंद है, हालांकि अभी उनके बाहर आने के कोई आसार नहीं है। हालांकि पप्पू यादव के समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मांग सफल साबित नहीं हो रही है। इसी बीच लंबे समय बाद पप्पू यादव के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। यही कारण है कि उन्होंने बीते दिन एक भावुक संदेश शेयर किया, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि मेरी गिरफ्तारी के आज 50 दिन हो गए हैं। क्या यह न्याय है या अन्याय? क्या यह इंसानियत है या हैवानियत? आखिर मुझे कैद करने से किसका मकसद सिद्ध हो रहा है? किसे बचाने को यह षड्यंत्र रचा गया है? हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पप्पू यादव ने सरकार का घेराव किया है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि जेल गए 1 महीने 1 दिन का समय हो गया है, आखिर मेरा कसूर क्या है। मांझी ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए दिन अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी क्रम में मांझी ने एक बार फिर से अपने बयान के कारण चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। हाल ही में जीतन राम मांझी ने अपने बेटे के साथ मिलकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही मांझी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वैसे तो प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है, मगर नीतीश कुमार में देश को संभालने की क्षमता है। इसके साथ ही मांझी ने यह भी साफ किया कि एनडीए में कोई समस्या नहीं है, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, राज्य सरकार एकजुट होकर अपने 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेगी।
वैक्सीन की खरीद में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताई चूक। बीते दिन राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक आयोजित कार्यक्रम में कोरोना के इस जंग में शामिल डॉक्टरों का धन्यवाद तो दिया ही, साथ ही उन्होंने कोरोना की इस लड़ाई में भारत सरकार और आम लोगों की नियत को लेकर भी टिप्पणी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे सरकार और अपने लोगों की नियत में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हालांकि टीका खरीदने के मामले में हम थोड़ा सा चूक गए, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आज जो हो रहा है ये देखकर मैं कहूंगा सरकार और समाज दोनों की नियत बहुत अच्छी है, कोशिश बहुत जबरदस्त है, लोगों में भी जागरूकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द सभी को टीका लगाने में कामयाब होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्द। कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में आज के दिन हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में आज के दिन हुई। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 ईसा को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भट्टो ने 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 2004 को जकार्ता में आपसी बातचीत की। प्रसिद्ध जनकवि आलोक धनवा का जन्म 1948 में आज के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन 1950 में आज के दिन हुआ। टेस्ट सीरीज से पहले ही भारत को लगा झटका। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड में है और इस वक्त टीम इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटी है। भारतीय टीम को 4 अगस्त से शुरू हो रहे इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसी बीच टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आंतरिक पैर की चोट का सामना करना पड़ा है। चोट काफी गंभीर है, जिस वजह से वो इंग्लैंड के खिलाफ शायद एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा करने वाली है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को मांसपेशियों में चोट लगी है या फिर हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है, जिसे ठीक होने में काफी समय लग सकता है। ऐड होने से बचना चाहते हैं तो तुरंत कर ले यह सेटिंग। अक्सर आपको भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता होगा जिसका हिस्सा आप बनना तो चाहते नहीं हैं, लेकिन आपको मजबूरन बनना पड़ता है क्योंकि आपसे ऐड करने से पहले कोई पूछता नहीं है। लेकिन अब आप इस तरीके के झंझट से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐप की सेटिंग में जाए, यहाँ आपको प्राइवेसी पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर ग्रुप के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको एवरीवन, दूसरा माई कॉन्टैक्ट और तीसरा माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट मिलेगा। इनमें से आप माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन पर टैप करें। अब अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप 72 घंटों में ये तय कर सकेंगे कि क्या आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या नहीं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,190 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,190 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 101.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.82 रुपए प्रति लीटर थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है असलम राज, सरोजनी, एडीवी, पांडव कुमार, सिमरन सिंह, ओमकार सिंह, विपिन कुमार, रूपाली सिंह, राजेश कुमार, राकेश कुमार, संदीप कुमार, बलिंदर कुमार, गौतम मांझी, मुकेश कुमार, विनोद कुमार राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, हमारी 25 बड़ी खबरों में किए गए बदलाव के अलावा आपके अनुसार और कौन कौन से बदलाव की जरूरत है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।